आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे एनिमल किंगडम में क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स सबसे ज्यादा होती है। शायद इसी वजह से क्रोकोडाइल को नदी का बादशाह कहा जाता है। और आप एलिगेटर का नाम तो सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो क्रोकोडाइल और एलिगेटर दोनों अलग अलग हैं? लेकिन सवाल यह है कि एलिगेटर और क्रोकोडाइल इन दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है? अगर इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? क्रोकोडाइल, जिसे हम मगरमच्छ कहते हैं, यह ज्यादातर अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ हिस्सों में ज्यादा पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 20 फीट और वजन 1000 किलो तक होती है। मगरमच्छ के कई सारे प्रजातियां पाए जाते हैं, उनमें से सबसे बड़ा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और नाइल क्रोकोडाइल को माना जाता है। और नाइल क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा होती है। दरअसल इनकी बाइट फोर्स 5000 पीएसआई तक होती है। और डिस्कवर वाइल्ड लाइफ वेबसाइट के अनुसार मगरमच्छ के हमले से हर साल 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मगरमच्छ कितने खतरनाक होते हैं। और वही दूसरी तरफ एलिगेटर ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 11 से 15 फीट तक होती है और वजन में ये 500 किलो तक भारी होते हैं। यह ज्यादातर फिश, बर्ड्स और छोटे मैमल्स का शिकार करते हैं। यानी बाइट फोर्स और साइज के मामले में एलिगेटर क्रोकोडाइल से हार जाती है। क्रोकोडाइल और एलिगेटर के हंटिंग स्टाइल में बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं। जैसे ही ये दोनों शिकार को पकड़ने के लिए जेल में छुप जाते हैं, और जैसे ही शिकार पास आ जाता है तो तब ये पलक झपकते ही उस शिकार पे हमला कर देते हैं और उस शिकार को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए डेथ रोल करते हैं। और डेथ रोल के बारे में आपको बता दूं, जब कोई मगरमच्छ शिकार को जल्दी से मारना चाहता है तो तब वो शिकार को जबड़े में दबोचकर गोल गोल घूमती है और इस तरह पलक झपकते ही शिकार के शरीर का टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसी को हम डेथ रोल कहते हैं। और एक एलिगेटर और एक क्रोकोडाइल को आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि एलिगेटर का स्नाउट यानी थूथन यू शेप में होती है और उसके दांत बाहर निकले नहीं होते, और वही क्रोकोडाइल का थूथन वी शेप में होती है और इसके खूंखार दांत बाहर निकले होते हैं। इसी चीज से आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा क्रोकोडाइल है और कौन सा एलिगेटर। और वैसे मगरमच्छ के दांत का साइज 5 इंच तक होती है और वही एलिगेटर का दांत का साइज सिर्फ 3 इंच तक होती है। और बात की जाए बाइट फोर्स की, तब भी एलिगेटर मगरमच्छ से हार जाती है। और साथ ही मगरमच्छ एलिगेटर से आकार में बड़े होते हैं। और तो और मगरमच्छ शिकार करने में एलिगेटर से ज्यादा माहिर है, क्योंकि मगरमच्छ ज्यादातर जंगली बेस, हिरण और वाइल्डबीस्ट जैसे बड़े जीवों का शिकार करते हैं, और वही एलिगेटर मछली, पंछी और छोटे मैमल्स का शिकार करते हैं। इसी वजह से अगर मगरमच्छ और एक एलिगेटर के बीच एक घमासान युद्ध हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि मगरमच्छ जीतेगा। बाकी आपको क्या लगता है, अगर एक क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बीच एक घमासान युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? कमेंट में हमें अपना राय जरूर शेयर कर देना।